वालदेन से गुजारिश है कि स्कूल के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के लिए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके एंड में आ जाएगा असलकम स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन It's your English book of grade 1. Let's start our study. Today, we are going to start a new lesson. On page number 8, unit number 3, play with me. Play means khelna. Like, aap sab bache khelte Some play with toys and some play cricket. Now, let's start the reading. आई एम सानिया ये क्या कह रही है आई एम सानिया दिस इज माई सिस्टर अब ये क्या बता रही है सानिया दिस इज माई सिस्टर रीड विद मी अगेन दिस इज माई सिस्टर हर नेम इज सोहा और ये क्या कह रही हैं? हर नेम इज सोहा इनका क्या नाम है सोहा आई एम उमेर ये क्या कह रहे हैं आई एम उमेर आई हैव अ बैट इनके हाथ में एक बैट है ये कह रहे हैं मेरे पास एक बेट है आई हैव अ बैट आई डू नॉट अ सिस्टर ये कह रहे हैं मेरे पास सिस्टर नहीं है आई डू नॉट हैव अ सिस्टर कैन आई प्ले विद सोहा कैन आई प्ले विद सोहा उमेर क्या कह रहे हैं क्या मैं सोहा के साथ खेल सकता हूँ आई एम शहला आई एम शहला ये क्या बता रही हैं आई एम शहला आई हैव बॉल आई हैव बॉल ये क्या बता रही हैं आई हैव बॉल Come, let us play. और ये कह रही हैं, आइए खेलते हैं खाम लेट अस प्ले द चिल्ड्रन आर हैप्पी बच्चे हैप्पी हैं द चिल्ड्रन आर हैप्पी दे हैव dog. इनके पास एक डॉग है दे हैव अ बॉल इनके पास एक बॉल है दे हैव अ बॉल दे आर प्लेइंग दे आर प्लेइंग ये खेल रहे हैं ना खेड्स डेड यू इंजॉय द रीडिंग I hope you did. Now, kids, it's time to assign you a homework. Your first homework is dictation words. And the first dictation word is sister. Second one is her. Third dictation word is name. Fourth dictation word is have. Fifth is बैट एंड दिक्सथ इज प्ले सेवेंथ डिकेशन वर्ड इज चिल्ड्रन एट्थ इज हैपी नाइन्थ इज दे एंड द टेंथ डिकेशन वर्ड इज प्लेइंग द सेकेंड होमवर्क इज राइट अबाउट योर सेल्फ इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको अपने बारे में लिखना है आपको क्या करना है आपको अपना नेम लिखना है माई नेम इज़ डैश आई एम अ डैश बॉय है या गर्ल है वो फिल करना है आई एम डैश यर्स ओल्ड आप कितने साल के हैं वो लिखना है आई एम इन क्लास आप कौन सी क्लास में हैं माई फादर्स नेम इज़ डैश यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम माई मदर्स नेम इज़ डैश आपको अपनी मम्मा का नाम लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड इज डैश और आपके दोस्त का नाम आपको लिखना है ना खेड्स दिस इज योर होमवर्क डू द होमवर्क केयरफुली एट ए होम वालदेन से गुजारिश है कि दिया गया होमवर्क अपनी निगरानी में करवाएं और इसका टेस्ट ख़ुद या ट्यूटर से करवा के इसकी पिक्चर लेकर स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए ताकि टीचर बच्चे का होमवर्क चेक कर सके व्हाट्सएप करने के लिए स्कूल व्हाट्सएप नंबर है ज़ीरो थ्री टू फोर थ्री वन ज़ीरो ज़ीरो एट ज़ीरो टू अल्लाह हाफिज